दोस्तों वेलकम है आपका इस आज की नई वीडियो में। और जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देखा है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्नोल्ड के चेस्ट वर्कआउट के बारे में। आर्नोल्ड आई गेस आप में से सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं जो अब तक 7 times मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। अगर बात करें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के चेस्ट के बारे में तो उनकी चेस्ट अब तक की बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में सबसे डेवलप्ड चेस्ट रह चुकी है। तो आइए उसी के बारे में बात करें कि वो क्या वर्कआउट करते थे जिनसे उनकी चेस्ट इतनी डेवलप हुई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आर्नोल्ड मोस्टली अपने वर्कआउट में इन 5 एक्सरसाइजेस को रखा करते थे जिनसे कि उनकी चेस्ट एक काफी डेवलप्ड चेस्ट बनी। तो आइए एक एक करके इन्हीं एक्सरसाइज को देखते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी मिडिल चेस्ट को टारगेट करती है। आप जैसा कि वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं, आपको इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। तो बात करते हैं सेट्स एंड रेप्स के बारे में। तो आपको इसके करने हैं 4 sets ऑफ 10-12 रेपिटेशंस के। इसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज आर्नोल्ड परफॉर्म करते थे वो होती थी इनक्लाइन बेंच प्रेस। दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी चेस्ट के अपर पार्ट यानी कि अपर चेस्ट को ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं 3 sets ऑफ 8-10 रेपिटेशंस के। कुछ ठीक इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। दोस्तों जो थर्ड एक्सरसाइज आर्नोल्ड अपने चेस्ट वर्कआउट में किया करते थे वो है डंबल फ्लाइज। दोस्तों ये एक्सरसाइज एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट मसल के लिए, जो हमारी ओवरऑल चेस्ट को ट्रेन करती है। अब बात करें इसके सेट्स एंड रेप्स के बारे में तो आपको इसके करने हैं टोटल 4 sets ऑफ 10-12 रेपिटेशंस के। ध्यान रहे आपको डंबल्स ऐसे चूज करने हैं जिससे कि आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएं, वरना आपको इंजरी भी हो सकती है। इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है आर्नोल्ड के चेस्ट वर्कआउट की वो है बार डिप्स। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो कि हमारी चेस्ट एंड ट्राइसेप को ट्रेन करती है। आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं टोटल 3 sets ऑफ 10-12 रेपिटेशंस के। आप चाहें तो 15 रेपिटेशंस तक भी जा सकते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छी हाइपरट्रॉफी मिलेगी। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है आर्नोल्ड चेस्ट वर्कआउट की वो है केबल क्रॉसओवर। दोस्तों ये एक्सरसाइज एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। आपको इसके करने हैं टोटल 3 sets ऑफ 12-15 रेपिटेशंस के। कुछ ठीक इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 एक्सरसाइजेज आर्नोल्ड के चेस्ट वर्कआउट की जो वो अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए यूज़ किया करते थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे फिट।